ठीक है। अब 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू विद फर्स्ट कंडीशन पी इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस एंड सेकंड कंडीशन इज पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई ये कह रहा है पी और क्यू के बीच का दूरी निकालो। पहली कंडीशन में पी क्यू वाई के एक्सिस के पैरेलल और सेकंड कंडीशन में एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इससे इजी और क्या ही क्वेश्चन मिल सकता है आपको। और क्या वाई जीरो के हो जाएगा तो मतलब काम ही हो जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन में ये मेरा अगर वाई एक्सिस है ये मेरा एक्स एक्सिस है बोल रहा है लाइन ऐसे है मतलब क्या है वाई के पैरेलल है। मान उसके पॉइंट क्या रखे हैं पी और क्यू पॉइंट दे रखे हैं ठीक है और उसके कोऑर्डिनेट क्या रखे हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये तो दे रखे हैं। और एक चीज और देखो इस कंडीशन में यहाँ जो x का पॉइंट होगा यहाँ भी तो वही का वही होगा क्योंकि okay, मतलब एक सिंगल लाइन पे खड़ा हुआ है ये। तो यहाँ मान लो अगर जीरो है वन है टू है ये थ्री है तो बेटा x का कोऑर्डिनेट थ्री हुआ और y का तो कुछ होगा ही नहीं और x का कोऑर्डिनेट कुछ हुआ और y का तो कुछ होगा ही नहीं। तो याद रखना x1 और x2 बराबर है। ये तो सिर्फ वन टू थ्री कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे ठीक है। ये क्या है बेटा नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाइन्थ क्लास के अंदर ये बातें समझाई जाती हैं और टेंथ में प्रैक्टिस कराई जाती हैं और इलेवेंथ में तो फिर देख ही लो क्या हो रहा है ना ठीक है बेटा। अगर सबसे पहली कंडीशन में बोल रहा है भाई पी क्यू मेरे वाई एक्सिस के पैरेलल है तो बेटा पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने का एक बार फॉर्मूला याद कर लो जी, दोबारा से याद कर लो। दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे निकलती है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसके अंदर एक चीज तो देखो तुम, y का तो जो होगा वो होगा, होगा तो वैसे जीरो पर इसके अंदर वैल्यू दे नहीं रखी तो हमें स्टैंडर्ड बेस फॉर्मूला ही सॉल्व करना है। पर भाई x2 और x1 तो वैसे भी बराबर है, मैंने भी ऊपर समझाया जो x1 की वैल्यू होगी वही x2 या x2 की वैल्यू सेम होगी, x1 is equals to x2 ही तो है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूं x1 की जगह पे x2 की जगह पे x1 और x1 तो x1 है ही तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना, हमारे पास फिर बचेगा ही क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो बचा और स्क्वायर से रूट गया। तो बेटा ये इस वाली कंडीशन में दोनों के बीच की दूरी निकालने का तरीका है y2 माइनस y1। ये इन्होंने कुछ नहीं किया, एक फॉर्मूला ड्राइव करवा दिया तुमको कि अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो बेटा दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, क्वेश्चन बना के फॉर्मूला ड्राइव करवा दिया, फॉर्मूला निकल गया। अब बेटा सेकंड कंडीशन निकालो सेम। अब अगली बार क्या है कि भाई वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है पी और क्यू ठीक है। ये क्या है इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है भाई इसकी। ये बेचारा इलेवंथ में आने वाला है, मैथ्स ले लिया इसको, इसकी अच्छी क्लास चालू हो गई पहले से ही तो सही है भाई ठीक है। अब बेटा सेम कंडीशन हो गई, देखो वाई पे खड़ा हुआ है ये ठीक है। अब यहाँ पर भाई y की जो भी वैल्यू होगी वो इस y की भी तो सेम ही होगी। ये मान लो ये जीरो जीरो है, ये वन होता ये टू होता, ये मान लो थ्री है तो यहाँ y की वैल्यू थ्री तो यहाँ भी थ्री ही तो होती ठीक सेम होती। और बेटा x तो वैसे भी जीरो होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू फाइंड नहीं करनी, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है ठीक। तो मैं वाई वन को वाई टू के बराबर लिख सकता हूँ। तो बेटा इतने बड़े फॉर्मूले में काट के दिखाने की तो जरूरत है नहीं अब मुझको तुमको, अब तुम सीधा ये बता सकते हो y तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से ही कट जाएगा तो pq बराबर x2 माइनस x1 आएगा। बस यही आंसर था, समझ में आ गया ठीक है। तुम तो कह रहे थे मेरे को क्वेश्चन सारे अजीब अजीब हैं, सब एक दूसरे से मैच भी नहीं करता कोई क्वेश्चन, सब में बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को। इसमें क्या मुश्किल है बेटा, मेरे को समझ नहीं आ रहा मुश्किल क्या है इसमें, कौन सा मैच नहीं हो रहा, सारे तो मैच हो रहे एक दूसरे से, अलग क्या है, अलग तो मेरे को कोई नजर ही नहीं आ रही चीज इसके अंदर भाई। देखो क्वेश्चन देखो, सब सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, फाइंड अ पॉइंट ऑन विच एक्स एक्सिस, मतलब एक एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पे विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये और ये दो हमको दिखा रखे हैं कोऑर्डिनेट, बोल रहा है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करो जो इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब मैं अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो भाई दोनों का डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के सॉल्व करोगे तो काम हो जाएगा ठीक है। तो जरा इसको बना कर देख लेते हैं फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा देखो और ये सेम टेंथ क्लास का क्वेश्चन है, टेंथ क्लास में क्वेश्चन है इक्वल डिस्टेंस वाले, फिर भी डर रहे हो। देखो
ये बोल रहा है यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो पी कोई पॉइंट है, अब जो भी होगा एक्स तो कुछ होगा, वाई तो कुछ होगा ही नहीं, एक्स एक्सिस पे बोल रहा है, बोल रहा है इसी से इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे कोई क्यू पॉइंट है और इक्वल डिस्टेंस पे कोई आर पॉइंट है। क्यू तो है 7 एंड 6 और हमारा आर है 3 एंड 4। बोल रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। बेटा इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, उसने खुद बोला है कि अगर ये पी क्यू है ना, ये पी क्यू तो ये किसके बराबर होगा, बेटा इसका और इसका डिस्टेंस सेम है, किससे, इसके और इससे, तो ये पी आर के बराबर होगा। दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला आमने सामने लगा लो, या दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला आमने सामने लगा लो, स्क्वायर से स्क्वायर पहले हटा के रूट हटा के सीधा फॉर्मूला खोल लो और काम तुम्हारा हो जाएगा। बेटा जब हम लेंगे पी और क्यू, क्या लेंगे, पी और क्यू, तो इसके अंदर एक्स वन ये रहा, वाई वन ये रहा, और उस केस में वाई टू एक्स टू वाई टू ये होगा, और इस कंडीशन में एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो फॉर्मूला लगा लो। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, याद करो फॉर्मूला क्या है हमारा डिस्टेंस का, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है हमारे पास, एक्स वन हाँ 7, ठीक का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, सेम अब यहाँ पे पुट करो, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक है, खोल दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब 2 × 7 = 14 x, समझ में आ गई इतनी सी बात, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, ए का स्क्वायर 0, ए का स्क्वायर, ठीक है, तो बी का स्क्वायर और 2ab, मतलब 2 × 0 × 6 सब 0, बचेगा 3 × 3 = 36। यहाँ देखो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो गया बोलो, माइनस 6x प्लस ए का स्क्वायर 0, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 2ab, मतलब 2 × 0 × 8, तो सब 0 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर चला गया, एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, साइलेंस साइलेंस प्लीज। ठीक है देखो, 14x प्लस 6x, 6x इधर आ गया माइनस का, इज इक्वल्स टू 25 − 85। अब तुम बोलोगे 25 85 कैसे आया, इन नंबर्स को जब आपस में सेम नंबर्स को बांटोगे तो यही का यही आ जाएगा, तो 36 को करोगे क्या हो जाएगा 85। ठीक है, इस तरीके से काटोगे तो यही आएगा, यहाँ पर क्या आया -8 इक्वल टू, ये 60 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स इक्वल्स टू 60/8। कुछ काटोगे भी इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम तो आंसर आ रहा 15/2। तो यही तो पॉइंट फाइंड आउट करना था, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वाई तो मुझे पता ही था, सॉर्ट आउट हो गया, तो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 15/2 और 0। क्वेश्चन खत्म। क्या मुश्किल था इसमें, इसमें क्या मुश्किल था, इजी था। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट पी एंड बी। ये बोल रहा है भाई एक लाइन का हमको स्लोप फाइंड करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, जो कि कहां से निकलती है, ओरिजिन से जाती है, और मिड पॉइंट का लाइन सेगमेंट जॉइन करता है पी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। दिखाता हूं इसका फिगर किस तरीके से बनाना है। मान लो ओरिजिन से निकलने वाला ए हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ओरिजिन से ये निकली, क्या निकली, ओरिजिन से निकली, और यहाँ पर ये टकरा गई, यहाँ पर ये टकरा गई, ये पी बी पॉइंट ओरिजिन, इसको ए बी मान लो या और ये सी पॉइंट मान लो इसको, बस ये बोल रहा है ये, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। ये तो बेटा ओरिजिन है 0 0 कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन में 0 − 4 8 और 0। ठीक है, बस अब भी मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला याद है, जब बीच में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ठीक है, तो सी के अगर मुझे पता है कि ये मिड पॉइंट है, क्या ये मिड पॉइंट है, तो बेटा सी का एक्स वाई फाइंड करना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। सी का एक्स कैसे फाइंड होगा बोलो, बेटा ये देख रहे तुम्हारे सामने एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है, तो मतलब दोनों एक्स को आपस में तुम जोड़ दो, तो पहला एक्स दूसरा x अपॉन में 2, और y के लिए क्या करोगे,
माइनस नहीं बेटा प्लस ही करोगे, इसमें ही प्लस ही होता है, लेकिन वो माइनस है। तो एक्स वाई और प्लस दूसरा वाई वो माइनस का वाई है, अपॉन में टू हो गया। ये कितना निकला तुम्हारा, टू फोर, मतलब फोर आ गया। और ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, माइनस का। तो सी का बेटा क्या बना तुम्हारा, फोर माइनस टू। ठीक है बेटा, ये तो बना ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट और है, देखो एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गया सी, ठीक। एक कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास ए का है, मतलब इस ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो जीरो, जो लाइन ओरिजिन से निकलती है इसका जीरो जीरो कोऑर्डिनेट है। इसकी लास्ट पे क्या निकला कोऑर्डिनेट, अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब भाई स्लोप निकालनी है, ए और सी की स्लोप निकालनी है, इस लाइन की स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला था जब दो पॉइंट से होकर लाइन गुजरती है, एंगल नहीं गिवन होता, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो, m इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। a, अब a और c, a तो ये रहा, मिटा दिया मैंने यार, और c ये रहा, c क्या है ये रहा, इन दोनों के बीच में लाइन ले लो, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, निकालो क्या हो जाएगा, जल्दी फाइंड आउट करो, जल्दी बोलो। x2 क्या है, तो y2 क्या है, माइनस टू, y1 क्या है, माइनस जीरो, जीरो तो बेटा जीरो जीरो है ओरिजिन के, नीचे क्या होगा, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, फोर माइनस जीरो, मतलब माइनस टू अपॉन में फोर, ठीक। टू वन जो टू, टू टू जो फोर, मतलब वन बाय टू माइनस, खेल खत्म, क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत, क्या था इसमें अलग, कुछ भी अलग नहीं था, बस हमको फॉर्मूला ध्यान आ गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके एनसीईआरटी का क्या कहता है, वो कहता है विदाउट यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, क्या बताया था मैंने इसके अंदर, ऐसा क्वेश्चन आता है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट, ये तीन पॉइंट दे रखे हैं, आर द वर्टिक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिक्स हैं, बताना है, मतलब इन्हीं दो लाइनों के बीच के स्लोप को तुमको माइनस वन प्रूफ कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने तुमको पहले ही बताया था और ये हमारे केस स्टडी थी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, फोर फोर। और बेटा ये मत समझना आप फिगर बनानी होती है हर बारी, फिगर बनाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है, इसमें फिगर के नंबर नहीं मिलते हैं, इसमें फिगर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे फिगर आप क्यों बनाते हो, ताकि आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आए, ठीक। अब मैंने क्या बोला था तुमको कि स्लोप निकाल कर देख लो दो का, ठीक है। तो एक बार ए बी का निकाल लें, फिर एक बार ही बी सी का निकाल लें, तो एक्स वन और ये वाई वन, मतलब जब भी तुम एक्स वन वाई वन लोगे और ये एक्स टू वाई टू, और इस जब बी सी जाओगे तो यही एक्स वन हो जाएगा और वो वाई टू हो जाएगा, ईजी है, ठीक है। अब जरा स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है बोलो, y2 मतलब 5 माइनस y1 अपॉन में x2 मतलब 4, क्या आया ऊपर 1 बाय माइनस 1 मतलब माइनस 1, पहली स्लोप क्या आई माइनस 1, तो स्लोप AB में जो निकाली वो आई। अब जरा BC की निकाल लो, अब BC के केस में ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, बोलो माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। अब बोलो माइनस 1 माइनस 6, वेरी गुड, क्या हो गया माइनस 6, क्या हुआ माइनस 4, सही बात है, ठीक। माइनस से माइनस गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या हुआ 3 बाय 2, ये आ गई दो स्लोप, ठीक है। अब मैंने अब क्या हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्या करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, इजी नहीं है, इस पे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करती। अभी तुमने क्या निकाला, इस पूरी लाइन का स्लोप नहीं निकाला, तुमने क्या निकाला इस लाइन में पहले इसका स्लोप, मतलब अगर ये है तो ट्राइंगल ना, ऐसे ऐसे है एक्चुअली, ए बी सी ऐसे लगे हुए हैं पॉइंट, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह लिख दिया है मैंने, पर ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो पहले हमने इसके और इसके बीच का निकाला, फिर इसके और इसके बीच का निकाला, अभी हमें बेटा पूरा मतलब ए सी इसके बीच का निकालना भी जरूरी है, क्या निकालना है, तो स्लोप ऑफ ए सी भी निकालो, अब ए और सी, अब इसमें एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू हो गया, जल्दी बोलो बेटा क्या होगा, माइनस वन माइनस फोर, माइनस वन माइनस फोर, क्या आया बोलो जल्दी, माइनस फाइव अपन माइनस फाइव, माइनस से माइनस गया तो आया बेटा स्लोप आ गई वन, आ गई क्या आ गई स्लोप वन आ गई, ठीक। अब अगर मेरी एक किसी लाइन की स्लोप, इसकी स्लोप
इस वाली स्लोप से मल्टीप्लाई करने पे माइनस वन आ जाती है तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब स्लोप मैं m लिख लूँ, m स्लोप ऑफ ए बी ठीक मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, वन माइनस वन मल्टीप्लाई वन इक्वल्स टू माइनस वन। हेंस प्रूफ कि भाई ये जो वर्टिक्स है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। ठीक है बेटा, खत्म क्वेश्चन, बता दूं कोई मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सब सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एन एंगल 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने समझा रखा है ट्रिक नो के अंदर, ऑफ एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉक, मतलब खुद ही बोल रहा है एंटी क्लॉक, ये बोल रहा है एक्स वाई एक्सिस के अलावा बना रहा है। मतलब ये मान लो तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई, इसमें बोला एक लाइन है जो कि एक्स एक्स वाई एक्सिस में अंदर की तरफ एंटी क्लॉक वाइज 30 डिग्री का एंगल बना रही है, समझ गए, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, उसका पूरा एंगल फाइंड करो। हमें पता है बेटा ये तो 90 होता है, क्या होता है 90 होता है, ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है, ये कंप्लीट एंगल में फाइंड करना है, कितना इजी तो है। इस एंगल को तुम अल्फा मान लो, क्या मान लो अल्फा, तो ये अल्फा क्या निकला 90 प्लस 30 तो निकला, ये क्या हो गया 120 हो गया काम, ठीक है। अच्छा इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो बेटा एंगल को तुम 10 से ले सकते हो ना, 10 120 कैसे बनाओगे इसे, 10 120 कैसे बनाओगे, 90 प्लस क्या बोलो 30, इस तरीके से बना सकते हो। रियल वैल्यू फाइंड करनी है स्लोप की तो यही तरीका है, 90 प्लस 30 यही तरीका है ना। अगला देखो, अब तुमको पता है बेटा क्या चेंज होता है, अगर याद दिला देता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके अंदर मैंने क्या बोला था, कैसे याद करने को बोला था, ऐड शुगर टू कॉफी। बेटा इसके अंदर तो सब प्लस है, इसमें सिर्फ साइन और इसमें सिर्फ 10, यहाँ पर होता है बेटा 90, यहाँ होता है 180, यहाँ क्या होता है, नहीं यहाँ होता है 180, यहाँ होता है 270 और यहाँ होता है 360। अगर हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो फर्स्ट से सेकंड थर्ड इस तरीके से मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 90 से प्लस गया, 90 से प्लस गया, 90 पर चेंज होगा, क्या होगा चेंज होगा, और बेटा ये पॉजिटिव है, चेंज होकर कहाँ गया सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब चेंज होता है क्वाड में, और कैसा होगा माइनस में, ठीक, और आंसर आएगा 30। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो क्या क्वाड 30, तो बेटा क्वाड 30 क्या होता है मेरा, बस तो ये वैल्यू आ गई मेरी स्लोप की, बस यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल तो ट्रिग्नोमेट्री आनी भी जरूरी है, रोक दे बेटा।